From a bag contains 4 white and 6 black ball. Man draws 3 at random. What is chance of drawing 3 black ball? तो देखो, 6 black ball में से 3 black balls select करनी है, 6 combination से. Total balls कितनी हो जाएंगी? 6 black और 4 white यानी 10. तो ऊपर 6 combination 3 जो के 20 होगा, नीचे 10 combination 3 जो के 120 होगा. Answer 1/6. यार बड़ा ही खतरनाक सवाल एक बार आया. एफ वन इक्वल टू माइनस टू, एफ माइनस टू इक्वल टू, और कह रहे हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स 1.5 के बराबर है तो बताओ इसके बराबर कैसे करें. तो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ. एक चीज़ ध्यान में रखो कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये हमेशा एक्स होता है, ये पॉइंट वाई होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है. अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन का एक फार्मूला होता है, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस वन एक्स माइनस एक्स वन 2.5. उसको मैंने रीअरेंज कराया था. कैसे कर लिया कि भाई वाई माइनस वाई वन अपॉन में वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन. अब ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू होंगे क्या? तो और से ध्यान से देखो, ये आपका एक्स वन, ये वाई वन यानी वन और माइनस टू, और एक्स टू वाई टू माइनस टू और वन. ये हो गया. मैं करूँगा क्या, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करूँगा और थोड़ा रीअरेंज करूँगा. वाई माइनस वाई वन तो माइनस टू है, ये प्लस टू हो गया. वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू वन है और माइनस टू तो थ्री हो गया. इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स में से एक्स वन माइनस यानी माइनस वन, और एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस टू और माइनस वन. सोचिए ये थ्री और माइनस थ्री ऑफकोर्स कैंसिलेशन होनी है. देखो ना, ये ज़ाहिर है इधर माइनस थ्री ले जाओ यार, कैंसिलेशन होगी और ये साइन पे चेंज आ जाएगा. मेरे हिसाब से जो बन रहा है माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है, और वाई को मैं अगर उधर ले जाऊँ यानी इसको साइन चेंज कर दूँ ना, यार ऐसे भी रहने दो यार, कोई मसला नहीं. माइनस वाई, ये माइनस टू इधर आया, प्लस हुआ एक्स प्लस वन, या हम कह लें वाई बराबर माइनस एक्स माइनस वन के. अब देखो एक बात ये रखो, वाई से मुराद हमेशा क्या होती है? एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स यानी वाई की वैल्यू 1.5 दी हुई है. मैथ्स के रूल के तहत ये माइनस वन उधर जाके प्लस वन, 2.5 इक्वल टू माइनस एक्स, और माइनस एक्स 2.5 है तो एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 2.5 हो जाएगा. ठीक है जी, ध्यान से देख लो, f1 वन माइनस टू के बराबर था, f माइनस टू वन के बराबर था. फिर ये सॉल्व किया दोबारा एक बार, ये सॉल्व भी पेपर में बार बार आए हैं. क्या साइन थीटा 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा कह रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो बताओ कि थीटा की वैल्यू क्या होगी? एक बात सुनो, अर्थमेटिक मीन का ऐसे फार्मूला होता है a प्लस बी अपॉन. मैम ये भी कह सकते हैं कि जब तीन टर्म्स होती हैं तो सेकेंड टर्म बराबर होती है फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाई 2 के. तो यहाँ देखो, सेकेंड टर्म 2 कॉस थीटा है, फर्स्ट टर्म साइन थीटा है, थर्ड टर्म 2 साइन थीटा, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाय 2, और ये 2 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. मैं कह सकता हूँ कि 4 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 3 साइन थीटा. अब मैथ्स के रूल कहते हैं, भाई देखो ना, ये 2 2 4 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा 3 साइन थीटा. मैथ्स के रूल कहते हैं ये 2 डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, 4 कॉस थीटा बराबर हो गया 3 साइन थीटा के. अब इस कॉस को उधर ला के डिवाइड कर लो तो साइन इधर गया, 4 अपॉन 3 हो गया 10 थीटा, 4 अपॉन 3 होता है 1.33. अब देखो इसके आंसर अब आप देख लो कि ऑप्शन में कैसे लिखे. ऑप्शन ए था थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 1.33, ऑप्शन बी था 53.1 डिग्री. तो दोनों बातें सही हैं क्योंकि 1.33 का 10 इनवर्स जो है वो 53.1 डिग्री ही होता है. देखो बच्चों, कुछ ऐसी सिचुएशन थी, एफ वन माइनस टू था, एफ माइनस टू था. सो देयर इसका मतलब है कि मेरा जो एक्स वन है वन है, और ये चीज़ हमेशा वाई होती है माइनस टू है. एक्स टू मेरा माइनस टू है, वाई टू वन है. इन वैल्यूज़ को हम पुट कहाँ कर देंगे? यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, और एक वक्त आएगा जब वाई एक तरफ रह जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ. सो हमें सवाल में एफ ऑफ एक्स भी दिया हुआ था 1.5, तो
याद रखो f ऑफ x और y एक ही बात है। y की जगह ये मैं ये f ऑफ x यानी 1.5 वैल्यू पुट कर दूंगा और फिर जब सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी और वो क्या आ रही है -2.5। बेसिकली x की ही वैल्यू नहीं आ रही। क्वेश्चन ये था कि f1 -2 के बराबर है, f-2 1 के बराबर है और अगर f ऑफ x 1.5 है तो बताओ x क्या होगा। तो ये -2 बड़ा अच्छा सवाल आया था। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी थी, अल्फा दिया था 150 और पी की वैल्यू थी 3। और ये क्या होती है स्ट्रेट लाइन में कहते हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर जो कि होती है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब चूंकि अल्फा 150 है मैं लिख दूंगा एक्स कॉस 150 प्लस वाई साइन 150 इक्वल टू 3/2। अब ये अपॉन में 2 है तो कॉस 150 होता है -√3/2, साइन 150 होता है हाफ और इक्वल टू 3/2 तो है। अब क्या करो पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया -√3x + 1y - 3=0। अब देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में x को पॉजिटिव रखा जाता है तो पूरी क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा √3x - y + 3=0 और यही आंसर है। बेटा ये सवाल भी बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है सेम वैल्यू के साथ। बस ध्यान में रखो कि देखो p 3/2 है ये हमने पुट कर दिया, अल्फा 150 कॉस 150 -√3/2 होता है, साइन 150 हाफ होता है और इसकी मदद से हमने सारी वैल्यूज निकाली। देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है x³ + 5 के एफ इनवर्स एक्स पूछ रहे हैं। देखो एफ ऑफ एक्स को हम क्या मान लेंगे y मान लेंगे y = x³ + 5। अब x को y मान लें y को x ठीक है। सो भाई इसका मतलब क्या है xy बन जाएगा y x बन जाएगा x-5 y क्यूब। अब क्यूब रूट ले लें ये y यानी यही f इनवर्स x हो गया। देखो बड़े काम की बात याद रखो f इनवर्स x में करते क्या है पेपर में आया हुआ बड़ा अच्छा सा है जैसे कि f ऑफ x x³ + 5 दिया है मुझे f इनवर्स x चाहिए तो ये जो f ऑफ x होता है दरहकीकत ये y होता है। फिर हम क्या करते हैं इनवर्स निकालने के x को y बना देते हैं y को x यानी ये देखो y से x हो गया ये x से y हो गया। अब हमें चाहिए क्या होता है y एक तरफ चले जाता है y एक तरफ आ जाएगा तो ये हमारा इनवर्स आ जाएगा। सो ये प्लस फाइव इसे इधर लिखा है -5 y³ = x-5 क्यूब रूट लिया तो y हो गया √x-5 f इनवर्स x √x-5 यही हमारा आंसर है। जो बड़ा प्यारा सवाल है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थे रो -1.4, 3.4 हैविंग स्लोप कितना दिया हुआ है 2/5 विल बी। अब देखो ऑप्शन है 2 है 8x + 2y + 17 = 0 8x + 20y + 17 = 0 8x - 20y + 17 = 0 8x - 20y - 17 = 0 8x - 17y + 20 = 0 अब देखो x की जगह -1/4 y की जगह 3/4 पुट करना चाहें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं फंस जाएंगे। तो एक और ट्रिक बताता हूँ बड़ी अच्छी और से देखो स्लोप की वैल्यू 2/5 यानी स्लोप पॉजिटिव। तो जब भी स्लोप पॉजिटिव होता है तो x और y का साइन अपोजिट होता है तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है। तो मुझे आसानी होगी मुझे ए और बी चेक करने की ज़रूरत नहीं है तो मैं कहाँ से चेकिंग शुरू करूँगा सी से क्योंकि स्लोप जो है पॉजिटिव है। अब 8 एक्स की जगह -1/4 ठीक है -20 वाई की जगह 3/4 +17 = 0 और यह जो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा उसमें क्या होगा लेफ्ट और राइट दोनों पे 0 = 0 हो जाएगा। सो देखते हैं 8 को -4 से डिवाइड किया -2 -20 को 4 से किया -5 और ये -15 + 17 = 0 -17 और +17 कैंसिल 0 = 0 सो इसका मतलब है करेक्ट आंसर मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया
ऑप्शन सी हो गया। ओके बच्चों, बड़ा अच्छा सवाल है। ये दो पॉइंट्स दिए हमें और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मुझे। वेल देखो, एक पॉइंट को मान लो एक्स वन वाई वन, एक को मान लो एक्स टू वाई टू। एक फार्मूला होता है हमारा y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। सो ढेर ढेर करेंगे क्या, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, और मेरे हिसाब से आंसर ये आना चाहिए 4x प्लस 11y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब ये खुद से करके चेक कर लेना कि आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा सवाल था, 3 होल 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई होल 2 अपॉन 3 इक्वल टू 13 होल 3 अपॉन 4। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, एक में एक्स फोर वाई एट, एक्स फोर वाई फोर, एक्स टू वाई फोर और एक्स एट वाई फोर। हम ये करेंगे यहाँ, तो देखो x अपॉन में, जैसे कि एक ऑप्शन रखा हमने 3 होल 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ y होल में 8 होल 2 अपॉन 3। इनको सॉल्व किया तो ये आया, जाहिर है 143 अपॉन 10 इसके बराबर नहीं होता। फिर x 4 y 4 रख के किया तो भी फिर कुछ ऐसा आ रहा है, ये भी डिविजिबल नहीं होता। हाँ, ये लास्ट ऑप्शन जो है ना, इससे होगा। देखें, x इक्वल टू 2 यानी 3 होल 1 अपॉन 2, ठीक है। जब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय y होल 2 अपॉन 5, बल्कि x 1 अपॉन 8 है, 3 होल 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 4 होल 2 अपॉन 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 अपॉन 8 और आखिर में ये 54 अपॉन 4 और फाइनल आंसर यही आ जाएगा, 13 होल 3 अपॉन 4। बड़ा अच्छा सवाल है। इफ़ 461 प्लस 462 प्लस 463 प्लस 464 इज़ डिविजिबल बाय डैश देन डैश इज, यानी किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो देखो, 461 और 464 का सम 925, 462 और 463 का भी 925, 925 1850, 1850 ना 3 से डिविजिबल होता है ना 11 से 13 से, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। फिर कह रहे हैं एक्स परसन ऑफ 80, परसन का मतलब है 100 से डिवाइड कर लो, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 20% यानी 20 अपॉन 100 ऑफ वाई। तो एक्स और वाई क्या होंगे। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है ये तो कैंसिल हो जाएगा, 80x इक्वल टू 24y, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर 20 से काटो तो 4x इक्वल टू वाई, यानी वाई जो है एक्स से 4 टाइम ज़्यादा होना चाहिए। तो इन सारे ऑप्शन में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 20 y इक्वल टू 80, क्योंकि देखो यहाँ y x से कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है। देखिए कह रहे हैं 84 इंटू 14 इंटू 2, 14 84 डिवाइड बाई 14 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई डैश इक्वल टू 33 होल्ड वन अपॉन 3। तो अगर सबसे पहले तो अकलमंदी ये करो, ये देखो ये 100 अपॉन 3 आ रहा है। अब 84 को हमें 14 से भी डिवाइड करना है, 2 से भी और 9 से भी, और मल्टीप्लाई करना है जिस नंबर से, यही पूछा है कि क्या आएगा। अब देखो, 84 को जब 14 से डिवाइड करेंगे 6, 6 को 2 से काटो 3, फिर 3 इस 9 से कटेगा, तो x अपॉन 3 बराबर है 100 बाई 3 के। अब साफ बात है, ये 3 भी कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी भाई, छोटी सी बात। फिर एक और बड़ा ख़तरनाक घुमा हुआ सवाल कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग जो है ये 8.5 है पर स्क्वायर, तो ये 510 बन रही है। तो 510 को पहले तो 8.5 से डिवाइड कर दो, एरिया 60 आ जाएगा। तो लेंथ जो है वो क्या होगी। अब देखो, लेंथ बल्कि 8 दी है तो ब्रेथ क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होती है, एरिया हमने 60 निकाल लिया, तो फार्मूले में पुट कर दो, ब्रेथ आ जाएगी 7.5। फिर एक और बड़ा अच्छा सवाल है, टोटल एरिया ऑफ 64 स्मॉल स्क्वायर ऑफ चेस बोर्ड इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 मीटर जो है वाइड, यानी जो 64 खाने हैं वो तो हो गए 400 के उनका एरिया, और हर तरफ से 3 बड़ा है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी। तो एरिया का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर 400 है, तो एक साइड तो 20 की हो गई, लेकिन दोनों तरफ से 3 बड़ी हुई है, तो 20 में दो दफ़ा 3 प्लस कर दो, आंसर 26।